हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडियो किचन। तो आज हमारे किचन में बन रहा है शक्कर पारा। शक्कर पारे के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी सूजी। सूजी की बोतल हो गई है खाली, पहले इसे भर लेते हैं और फिर इसमें से निकालेंगे हम 3 बड़े चम्मच सूजी। एक ग्राइंडर जार में ले लिया है मैंने सूजी को, और लेना है हमें इसमें शुगर। आज मैं इसे चीनी वाला बना रही हूँ। अगली कोई वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम गुड़ के साथ भी इसे बनाएंगे। ये लो जी, शुगर भी हमारी कम हो गई है, डब्बा भी हमारा खाली हो गया। चलिए इसे भी हम फटाफट से रिफ़िल कर लेते हैं, और हमें चाहिए आधा कप शुगर। अब इन्हें पीसते टाइम आप चाहें तो इसमें सौंफ थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खजूर या शक्कर पारे में सौंफ का फ्लेवर पसंद है तो। मैंने नहीं ऐड किया। एक परात में मैं ले लूँगी 2 कप आटा, ये नॉर्मल गेहूँ का आटा है जो हम रोटी बनाते हैं जिससे, और जो ग्राइंड किया है वो पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मोइन की बारी है, इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप घी। घी हमें थोड़ा सा गरम करके लेना है फ्रेंड्स, मेल्टेड होना चाहिए और थोड़ा सा गरम। तो इसे हम गरम कर लेंगे, एक तड़का पैन में ही मैंने इसे गरम कर लिया है। अब इसे आटे में ऐड करेंगे धीरे धीरे। अगर एकदम से आप ऐड करके हाथ डालेंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसका मोइन लगा लेंगे आटे में अच्छी तरह से। मोइन अच्छे से लगाने से हमारे शक्कर पारे अंदर से खस्ता बनेंगे फ्रेंड्स। तो हमें शक्कर पारे के लिए आटे को गूंद लेना है। इसके लिए मैंने आधा कप पानी यूज़ हुआ है, आपका थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमें इसका नहीं लगाना है फ्रेंड्स आटा गूंदने के लिए, कि हमें इसे ज़्यादा मसल कर नहीं गूंदना है, ग्लूटेन डेवलप नहीं करना है हमें इसमें। इसको खाली हमें बांध लेना है, इकट्ठा करना है और अच्छे से इसे शेप दे देना है। ऐसा करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए फ्रेंड्स। 15 मिनट बाद इसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करके अपना चकले में इसे बेल लेंगे। तो इसको मोटा सा एक गोला बना लेते हैं हम, और थोड़ा सा मोटा हमें इसे रखना है। रोटी तो बहुत पतली होती है, हमें काफ़ी इसे थोड़ा 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना अभी मैं आपको दिखाऊंगी उतना इसे हमें मोटा रखना है। पतला बेलेंगे तो ये बन जाएगी आपकी मठरी और बनेंगे नहीं आपके शक्कर पारे फ्रेंड्स, इसीलिए इसे हमें मोटा ही रखना है। ऑयल को हम गरम करने रख देंगे कढ़ाई में, और ये याद रखना है कि ऑयल हमारा गरम ज़्यादा ना हो। इन्हें हमें एकदम लो फ्लेम पे तलना है ताकि ये अंदर से भी पके और बाहर से भी अच्छा कलर आए। अगर आपकी आँच थोड़ी भी तेज़ होगी तो ये बाहर से एकदम से कलर ले लेंगे ब्राउन, और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। शक्कर पारे हम डाल देते हैं सभी, और एक साइड से थोड़ा सा ये शेप ले लें तो इन्हें पलट देंगे, और इसी तरह से स्लो फ्लेम पे इन्हें पका लेना है। तो सारे शक्कर पारे हम एक बार तल लेते हैं और एक प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे, और इस तरह से बाकी के भी हम बेल के काट कर तल लेते हैं फ्रेंड्स। तो बन गए झटपट से हमारे शक्कर पारे। एकदम रेसिपी इसकी ईजी है फ्रेंड्स, और बेझिझक आप बिना डरे से ट्राई कर सकते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा। बहुत बढ़िया बनेगा, एक बार आप बना के देखिए इसे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर और बनाइएगा भी ज़रूर। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।